जस टीवी देख रहे हो तुसी, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट तुहाडा स्वागत करदा। स्कूल फीसां दा मुद्दा पंजाब विच बहुत वड्डा है, इस ते किन्नी चर्चा हो रही, किन्नी डिबेट हो रही है। मसला यह नहीं हैगा, सवाल यह हैगा इस मसले का हल किवें निकलेगा। सरकार नूं विचोलकी करन लई किया, विचोलकी करन लई कहना जरूरी सी। सवाल यह है सरकार ने आपदे पद्धर ते फैसले क्यों नहीं किए। कानून की तारा एक हैगी है जिस तरह सरकार फैसला लै सकती है, जो कोरोना वर्गी महामारी जो संकट पैदा होंदा इसके बावजूद सरकार ने फैसले क्यों लिते, सरकार ते भी सवाल है कि है। इस तों पहलां वाली सरकार ने की फैसले किए उन ते भी सवाल है कि है। कुल मिला के मापे आपदी मजबूरी दस रहे हैं कि साढ़े काम धंधे बंद हो गया, पर उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में कोई सोच समझ के बच्चे लाए होंगे, निजी स्कूलों में बच्चे लाए होंगे, सवाल यह भी है का। प्राइवेट स्कूल अपने बारे कह रहे हैं कि 70% फीसा लैके साडा काम चल सकता, तो उस तो बाद अध्यापकों के फीसा भी देनिया, होर खर्चे भी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद पिया, वो अपना तर्क दे रहे हैं। सब के विचाले विचोलगी करने लिया गया, तरीका पै रही हैं तो मीटिंगा हो रही हैं। इन्होंने मीटिंगों में की निकल रहा, असं एक सवाल पूछा कि स्कूल फीस विवाद है, किस तक किन्ना शेयर है। वड्डा सवाल इको इस डिबेट में पूछा जाएगा, पंजाब में स्कूल फीस विवाद से कौन किन्ने पानी में, दुध का दुध तो पानी का पानी होना चाहिए। तो सवाल लैके थोड़ी कचहरी में असं हाजिर हाँ, तो दो मेहमान साडा मौजूद है कि है इस विषय में समझना बहुत जरूरी है, इसलिए सिर्फ दो मेहमानों को असं सदा दिता जिन्हें तो समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ है। हरदीप सिंह किंगरा कांग्रेस के बुलारे है, हरदीप सिंह किंगरा बहुत साल इन्होंने प्रशासकी सेवा में निभाए है, इन्हों समझ है कि है सारे इशू की, तो खुद भी बहुत पढ़े लिखे है, तो इन्होंने पता है कि स्कूल फीसा का मुद्दा होंगे की है, तो निजी स्कूलों का मामला की है। हरजीत सिंह किंगरा सर, थोड़ा बहुत स्वागत है, थोड़ी फतेह कबूल है जी। डॉक्टर पहला गर्ग सबका रजिस्ट्रार ने बाफरी यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ सैंसिज से मैडिकल सैंस बारे जिन्ना जानते हैं, उस तो बाद पेंडू खेतर समस्याओं बारे जानते हैं, उस तो ज़्यादा इस निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों विचाले जो पाड़ा है आर्थिक असामेपन की गल हों, तो इस पूरे मुद्दे बारे बेहतर तरीके समझते हैं, इस करके उन्होंने सद्या क्योंकि समाज के सारे हालात तो कानूनी प्रक्रिया बारे चंगी तरह जानते, इन्हों पता भी होगा कि तारा हैगी जिस तरह सरकार फैसले लेंदी है, सरकार ने उस तारा का इस्तेमाल नहीं किया, तो कि विचारधारा में सरकार बह गई है उसका सवाल इन्होंने तो होगा। डॉक्टर गर्ग सर थोड़ा बहुत स्वागत है, शुक्रिया जी बहुत बहुत। डॉक्टर गर्ग सब तो पहला सवाल तुम्हें करना चाहूँगा, डॉक्टर गर्ग असल में रोला है की है, मैंने बहुत संखेप समझाने की कोशिश करियो ता जो दर्शकों के अगे कोई रोला रह ना जाए, असल में कलेष है की है, कोरोना का संकट है जां सरकार की विल पावर का संकट है। देखो दोनों संकट ने, कोरोना का तो जो संकट केंद्र ने क्रिएट कर, पर इतने जो पंजाब दी फीसां का सवाल है ये पंजाब सरकार ने पैदा किया, क्योंकि पंजाब सरकार ने ना अपनी शक्तियों की वरतों करी है, ना उस कानून नू तरीके नाल देखन दी कोशिश करी है जिदे नाल इन्हां नू शक्तियां मिलियां होईयां ने। ते एक जिवें उदां ही पड़ा सुट्टा मारता कि जी तुसीं ट्यूशन फीस लै लो, उह हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने कहा भी ट्यूशन फीस, उन्होंने कहा जी हाई ट्यूशन फीस ना दी तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो हाई कोर्ट ने कहता 70% फीस देणगे, तो 70% तनखाहां देणगे, कानून तो उत्थे डिस्कस नहीं होया, हाई सरकार चुप रही, फिर पता नहीं कितना प्रेशर पिया, फिर जाके हाई कोर्ट एक इन्होंने उन्होंने चैलेंज करता इंटर मॉडल को, तो वो उत्ते हाई कोर्ट ने ऑर्डर करता भी तुसी बैठ के अपना फैसला आपे निबेड़ो। अजे तक हाई कोर्ट को ना मापिया ने ना सरकार ने ते दूजी धिर ने तो पेश ही की करना है, सही कानूनी पोजिशन जी उ पेश करनी है जिते दा पेज से फैसले होने ने कि की फीस लै सकते ने नहीं लै सकते, किन्नी लै सकते ने, की तो लै सकते ने, तनखा की है फीसा चो ही देन, जां जिहड़ा इन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करया उहदे मुताबिक जिहड़ा पैसा इकट्ठा है वह तो रहन, कानून की कहिंदा है, पंजाब का कानून की कहिंदा है। पर सारे कानून तो एक गल उपर है, जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट का TMA पाई PA इनामदार ते इस्लामिक अकैडमी दे विच 12-12 5-5 जज साहिबान के फैसले ने, 11-11 ते 5-5 जज साहिबान दे वह फैसले कोई भी कानून होवे उहदे उपर ने, सवाए संविधान तो बाकी सारे कानूनों के उपर ने, इस करके सूबे के कानून जो कोई गलती भी हो भी फैसला लागू रहेगा। डॉक्टर गर्ग एक चीज़ समझा दो फिर मैं डिबेट अगे वधाऊंगा, कानून की धारा 23 का तुम जिक्र बार बार करते हो, उस तहत सरकार की कर सकती है। सरकार के कोल दो काम ने, एक ये कानून च जाती जाती अकाली सरकार 23 दिसंबर जिवें सरकारी जिवें प्राइवेट स्कूलों ने कहा उदा बना गए, मैं उस फीस कमेटी का मैंबर रहा जिहड़ी कमेटी मानयोग हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस तय करने वास्ते जस्टिस रणजीत सिंह की चेयरमैनशिप से बनाई थी, जस्टिस रणजीत सिंह फिर चले गए डायरेक्टर अरबिट्रल ट्रिब्यूनल च, तो उस तो बाद जस्टिस अमरदत्त रहे। इस कमेटी ने पूरे दे पूरी उस जिहड़ी प्रक्रिया जो पंजाब की जजमेंट है चीफ जस्टिस साहब के DVD की, वो जजमेंट 2013 च आई है, 2009 का रिट सी, तो वो जजमेंट सारा कुछ कोर्ट करया होया कि स्कूलों किवें फीसा तय होनिया ने, मामला की है।
मामला कानूनी दाव पेच यह है कि टीएमए पाई जजमेंट ने कहता कि कुछ सरप्लस जनरेट कर सकते हैं पैरा 58 च उन्होंने डिफाइन करिया इस्लामिक अकैडमी और पी ए नामदार के कि मतलब है 5 to 15% सरप्लस ले सकते हैं। अगे आया भी सरप्लस वाधू जो पैसे लेने ने खर्चे तो यदा करना की है उन्होंने आख्या भी यह पैसे किसी संकट वेले वरतन वास्ते किसी अचानक खर्चे आने वास्ते किसी रिपेयर वास्ते किसी एक्सपेंशन वास्ते कोई समान खरीदने वास्ते वरते जाने ने। हुण कोविड नालों जिहड़ा 23 तरीक नूं इन्हां ने डिजास्टर मैनेजमेंट ला के भारत सरकार ने लॉकडाउन करता तो उदों वड्डा संकट होएगा कि और ये दुनिया का संकट है उहदे विच सरकार ने आपदी पावर नहीं वरती सुप्रीम कोर्ट वाली कानून उही कपड़ा सुट्टा जिहा मारता मंत्री ने कि जी तुसीं ट्यूशन फीस लै लो। हुण जिहड़े गए ने स्कूल उत्थे डिफेंड नहीं करा सरकार ने जब उत्थे आया सी सरकार कहिंदी जी तुसीं इन्हां नूं इन्ना दिओ सानूं नोटिस दिओ असीं जवाब देवांगे एक दिन च दे दांगे। वह जिहड़ा कानून है उस कानून च वह गए कि जी इत्थे ट्यूशन फीस ना दी तो कोई चीज़ ही नहीं मंत्री ने किवें कहता उस कानून की धारा दे विच लिखिया है कि फीस का मतलब की है डिफाइन करिया कि फीस दे विच फीस फंड होर चार्जस यहाँ मतलब फीस का मतलब कोई फीस कोई वक्री चीज़ है जिन्होंने मंत्री ने ट्यूशन फीस कहता कोई गुनाह नहीं करता मंत्री ने ट्यूशन फीस कह के पर जे कानून स्टडी करके कहें उस एक्ट की धारा कोट करके भी ये अंडर आ 3 मदा ने इन्हों चाह 2 मदा तो वैसे ही नहीं लै सकते। पंजाब का एजुकेशन कोड जिहड़ा सब ते लागू होना जरूरी है वो ये कहता है कि जब भी स्कूल बंद रहेंगे उदो फंड नहीं लेने कल ट्यूशन फीस लेनी है। मंत्री ने वो गल देख ली पर यह दस्या नहीं भाई कानून च भी यही कुछ है पर इनू डिफाइन करना ढंग गलत रहा है। डॉक्टर गर्ग मैनू एक चीज़ समझ आ रही है कि सरकार को ले पावर होने के बावजूद सरकार पावरलैस शो करने की कोशिश में लगी हुई है। हाँ बिल्कुल क्योंकि इन्होंने आपके स्कूल ने बथेरे कांग्रेसियों के अकालियों के इसे पॉइंट ते इसे पॉइंट ते आ गया सर इसलिए मैं सवाल पूछा। हरदीप किंगरा सर पावर तुहाडे कोल हैगी है तुसी पावरलैस आपदे आप नूं शो करके तुसी इस तरीके ना पेश आ रहे हैं भाई साडा कोई कसूर नहीं असीं तां बहुत भोले हैं। हरदीप किंगरा जी नहीं नहीं देखो के पी इहदे च दो गल्लां हैगीआं पहली गल तां विद्यक इदारे चाहे वह स्कूल ने चाहे वह कॉलेज ने चाहे वह यूनिवर्सिटियां ने यह सारे दीआं सारीआं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इहदे विचों तुसी कोई भी प्रॉफिट कमा के डिविडेंड नहीं लै सकते इहदे जिहड़े प्रमोटर ने पर सारे प्रमोटर जिहड़े ने उह किसे तरीके नाल विचों कोई ना कोई पैसे कढ़दे ने ते उह अपना सरप्लस जिहड़ा उह नहीं क्रिएट करदे क्योंकि किसे जादी बिल बना के उह करके देखो मैं बिल्कुल इत्थे सही गल दसांगा दिस इज व्हाट इज एलिंग दी एजुकेशन सिस्टम ऑफ सर आपां डिबेट नूं डीरेल ना करिए। हरदीप किंगरा जी मैं माफ करना डिबेट नूं डीरेल ना करो सर मेरा सवाल बड़ा सधारण हुंदा सर मैनूं औखा सवाल नहीं करना हुंदा। हरदीप किंगरा मैं वार वार इको डिबेट च कहना मैं सवाल बड़ा तुहानूं सधारण कर रहा तुहाडे कोल पावर्स हैगियां तुसीं उहदे तहत कर सकदे सी इह मामला कोर्टां विच जाण दी जरूरत नहीं हैगी सी जे तुसीं चाहुंदे तां तुसीं इह मामला निबेट सकदे सी तुसीं उलझाया वे भी पास इधर कर देता कदे उधर देता तुसीं इहो जिहा कुछ करदे पिओ। हरदीप किंगरा नहीं इस तरह की कोई गल नहीं है सरकार को बहुत किस्म पावर होंगे ने पर जो पावर का इस्तेमाल किया जाता है वह दो दूनी चार नहीं होंगे गा बहुत सारिया कंसिडरेशन होंगे मापे कंसिडरेशन होंगे है एजुकेशन सिस्टम कंसिडरेशन होंगे है और जो बुक्स जो कंसिडरेटिव होंगे ने बहुत सारिया चीजा जो मद्देनजर रख के जो फैसले लें सरकार सरकार कदे दो दूनी चार के फैसले नहीं ले सकती जे 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 इफ द रूल्स कैन रूल then fools can rule wisdom is required to break the rule at the appropriate time hun khabbe passe chalna rule hai is desh da tusi khabbe passe turde rho ko truck aa jaye tusi khabbe passe turi jaoge naal di na chhal maar ke sajje passe ho jao bhai kanoon nu tod deo chalo aapa sajje khabbe na hoye sir main kanoon di कानून की धारा 9 कानून की धारा 23 सारे की गल कर रहे हैं। डॉक्टर गर्ग साडे नाल मौजूद है गया डॉक्टर गर्ग कल्ला कल्ला पॉइंट समझा देंगे जे सरकार नूं समझ नहीं आ रहा एक छोटा ब्रेक लूंगा फिर तू वापस आऊंगा किंगरा साहब वापस आऊंगा आप सारे मुद्दे नूं समझना आप इदा इदा रोल गोल नहीं करना गा स्कूल फीस विवाद हैगा किस दा किन्ना शेयर है शेयर वाला सवाल मैं इस करके कीता सीगा मापे उस विच किन्ने हिस्सेदार है जिहड़े निजी स्कूल है उन्होंने प्रबंधक किन्ने हिस्सेदार है सरकार किन्नी हिस्सेदार है पर डॉक्टर गर्ग ने तक वक्रा पॉइंट चकता किसका किन्ना शेयर इन्होंने तो मेरे सवाल में ही बदलता कि जो सियासतदानों के आपदे स्कूल हो तो फिर शेयर वाला सवाल होर हो जाता ब्रेक तो वापस सवाल असं ये पूछ रहे हैं पंजाब स्कूल फीस विवाद से कौन किन्ने पानी च है असी इस चीज़ को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर गर्ग
ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਟ ਗਰਗ, ਪਰ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਦੁਨੀ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਵੀ ਘੁਮਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਬਣ ਜੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਜੇ, IFS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਸੜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੁਰਨਾ, ਖੱਬੇ ਤੁਰਨਾ, ਤੋੜਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, LR ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗਏ, ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੋ ਤੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ? ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੌੜੀ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫੰਡਸ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 2016 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਹ ਰੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ 21 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਡਰ, 19 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਜੂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਦੀਪ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ, ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ? ਹਰਦੀਪ ਕਿੰਗਰਾ, ਦੇਖੋ KP ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, 2022 ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ। 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਰ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹਰਦੀਪ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਬਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਨੀਅੰਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਛੱਡੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ,
ਗੱਗ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੋਲਗੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪੜਿਆ ਡਾਟ ਗਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮੰਗਿਆ मैं हाई कोर्ट तो है नहीं सी ना मैं पढ़िया की होया क्योंकि हाई कोर्ट के जी गल इन्हों वकीलों ने मैं पता नहीं किन्ने केस सरकार के जितते ने मैं वाउच करके उरे कहना जे असी हाई कोर्ट से दो केस हारे के तीन सुप्रीम कोर्ट जाके तिने जितिया असी कोई केस कदे हारे नहीं बल्कि उदू उल्टे ये होंगे भी पैसा खोटा अपना तो दूजे नूं की दोष शाही क्या दोष जे असी आप ही आपके काम उल्टे करांगे फिर बाहर नेड़ावांगे कोई कानून ये कहना नहीं है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जी प्रॉफिट का बने जरिया व्यवसाय बने सरकार को इस वक्त जोड़ा 15% हूँ तुम जी गल कहना मैं वह जवाब दिना सुप्रीम हाई कोर्ट इन्होंने प्लीड नहीं करना मैं तुम्हें अज भी कह दिना क्योंकि इन्होंने स्टडी नहीं इन्हों का इंट्रस्ट नहीं है उसे जे डिफेंड करते आपके केस में मजाड़ा है उन्होंने हक च फैसले हो जाते 5500 पेज की रिपोर्ट 12 वॉल्यूम 2017 चो इन्हों की सरकार ने आई तो वो समरी दी गई है 2017 चो जून के जुलाई कमेटी खत्म हुई है उस कमेटी की जस्टिस रणजीत सिंह जस्टिस अमरदत्त जी जिन्हों के अंडर वह कमेटी ने 4500 स्कूलों की 5500 पेज की 12 वॉल्यूम की रिपोर्ट पी है कले कले स्कूल का किन्नी आमदना है किन्नी फीस है किन्ना बिजली का बेड़ा है ये बिजली के बेड़ा की गल करते हैं बसों का किन्ना है किन्नी तनखा देंगे ने किमें तनखा देंगे ने किन्नी फीस देंगे ने किन्नियां किताबां बेचते हैं वर्दियां बेचते हैं बूट बेचते हैं झोड़े बेचते हैं है कंप्यूटर की फीस लेंगे ने सैर सपाटे की फीस लेंगे ने खेडों की फीस लेंगे ने यह बड़ा कुछ है ये सारा कुछ उस लिखा हुआ है कि पैसा गाह ट्रांसफर करता कि कोई कट के ले गया किन्ने होर स्कूल बना दिए यह लिखा हुआ कदे कदे स्कूल का यही भी इकट्ठा लिखता एक एक स्कूल का प्रिंसीपल लिखे हुए हैं पर जो कोई पढ़े नहीं है ना जब मैं आपे अखा नीच के मरीज का इलाज करना नहीं चाहता फिर मैं कुछ कही जाऊँ जी इन्हें ध्यान नहीं करी भी कोई ड्यूटी बनती सी ये मैं दस दिता जे तकलीफ होंगी यह गल मैं जानता मैं सरकार भी काम कर मैं डॉक्टर के तौर पर भी कर मैं सारिया जानता भी किमें कराया जा सकता है हाई कोर्ट च मतलब भी नहीं सी सरकार ना जित जे तीन गलों के उत्ते ध्यान रखते असी मापियां नूं सारियां नूं एक लड़ी बनते हैं जिहड़े बंदे नूं पूरी तनखा मिल रही है सरकार तो जिहड़े बंदे नूं पूरी पेंशन मिलती है मेरे वर्गे नूं जे मेरा बच्चा उत्ते पढ़ता हो मैं स्कूल फीस क्यों ना दवां मैनूं तनखा मिली है घरे बैठे मैनूं तां कोई घाटा नहीं पिया पहला भी मैं बच्चा लाया हुआ सी इह सारयां नूं एक मानी जांदे ने सारे स्कूलों एक मनी जाते हैं एक स्कूल 2 करोड़ रुपया साल का 3 करोड़ कमा रहा है एक स्कूल बेचारा आई चला रहा है मानयोग हाई कोर्ट ने कहा पहली गल तां दिंदे नहीं भावे विच लिखे हर साल भेजणगे जे कोई दिंदा होऊ उहनूं खलखुंज सुटदे हाई कोर्ट दे 2545 रिट दे विच ऑफ 2009 फैसला हुआ 2013 अप्रैल च यह देख लैन किंगर साहब तो बड़े सियाने पढ़े लिखे बड़े उच्चे अफसर रहे हैं ये पढ़ लैन भी उस लिखे कहें देंदे नहीं जे दे देंगे वो खल खूंजे सुट देंगे जब असी उन्होंने तो 3 साल दिन रिपोर्टा मंगिया और रिपोर्ट पढ़ लैन भी वो 2 साल रिपोर्टा लैन लगे सानू कहना पाया भी थोड़ा स्कूल बंद कराने वास्ते ऑर्डर कर देंगे असी सरकार को कि स्कूल बंद करो एफिलेशन यदि विदड्रा करो बोर्ड में ऑर्डर करा यदि NOC विदड्रा करे सरकार थोड़ी हिम्मत किमें पै गई हाई कोर्ट का तुम फैसला थोड़ू कहा भी 3 सालों की तुम आपकी दो ऑडिट स्टेटमेंट तुम दे ही नहीं रहे तुम मौज ना अपना ऐश कर रहे हो तुम झूठी फाइल कर रहे हो एक साढ़े को फाइल कर दो एक तो होर फाइल कर दो दो स्टेटमेंटा स्कूलों का यह कहना कि जी असं आपके पैसे लाने सानू अधिकार जो मर्जी करिए एक करियाने वाले मर्चेंट की दुकान बंद करा देंगे ने उन्होंने कहने तू समान इतों बद बेचना नहीं जिन्हें ना तो कोई लसेंस बना शायद लिया हो जो 3600 किस्म का टैक्स नहीं दिता एक सिक्ख्या संस्था जिन्हें इन्हों तो इम्तिहान का लेनी है डिग्री जिन्होंने इन्हों तो NOC लेना है उन्होंने कहते अभी कुछ नहीं कर सकते आप सारे निजी स्कूलों भी एको रस्से नहीं बन सकते बिल्कुल नहीं बनते मैं दसदा की है हल की है जो लंबा भी नहीं है पर इन्होंने करना नहीं नंबर एक स्कूलों यह हुक्म होना चाहिए भी बाकी गल बाद तय करना पहला जिन्हें इंपलाई उन्होंने तनखा दो थोड़े को सरप्लस पे जो सरप्लस पे 3 सालों का इतने फाइल कर दो 5 कमिश्नर इन्होंने बनाए हुए हैं जिन्होंने सारिया कहानियां सुनिया ने भी हूँ तो बंद तनखाह दो पूरी कोई फीस ना लो पहला काम है तुम आपके उत्थे कमिश्नर को पेश करो जो कुछ करना है दूजी गल
दूजी गल ये मापिया वास्ते कि जेने मापे जिन्हों की तनखाह या पेंशन च कोई कट नहीं लग्या सरकार तो लै रहे ने जे वो मापे फीस नहीं देंगे उन्होंने बच्चों के ना कटो कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने फीस हो जाए तो उन्होंने घर बैठे तनखा मिली है। तीजी गल जे बाकी ने क्योंकि व्यापार बड़े बड़े भी फेल हो गए बड़िया बड़िया इंडस्ट्रियां फेल हो गई छोटे मोटे दुकानदार का व्यापार अपन पता ही बंद हो गया बहुत सारे लोग अनएम्पलॉय हो गए। सो उन्होंने वास्ते कहना भी जिन्हों का सरकारी तनखा च सरकारी फीस सरकारी पेंशन नहीं आ रही वह जी नौकरी की उन्होंने छड के बाकी तो अजे फीस नहीं लैनी हर एक ने आपदा भर के दिता उ मैं करना जिन्हें तुम यह कहता भी जेड़ा बंदा सरकारी मुलाजम है वह आपकी तनखा लै रहा देवे वह सरकारी मुलाजम की ड्यूटी लाई जाए एफीडेविट दे जो बंदा कहना भी मैं नहीं है सियासतदान स्कूल भी है कि अड़िका तो नहीं है ब्रेक तो वापस आके सवाल हो गया जरूर वड्डा सवाल यह पूछ रहे इस डिबेट में पंजाब स्कूल फीस विवाद से कौन किन्ने पानी च कली कली चीज़ तुहानूं दस्सांगे कौन किन्ने पानी च हैगा। हरदीप सिंह किंगरा सर एक सवाल मैं छड के गया सीगा डाटा गर्ग कहिंदे आ कि सानूं डाटा इकट्ठा करना चाहिए डाटा सानूं पता लग चूगा कि किनूं पेंशन मिल रही है किनूं तनखाह मिल रही है किंदा रुजगार बंद होया किनूं नुकसान होया उंदे नाल इह वी होगा कि किन्ने भैण भरा कितें कित्थे कित्थे पढ़दे आ उह सारा डाटा इकट्ठा कीता जा सकदा एफिडेविट लिया जा सकदा सरकारी अफसरां दी सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लाई जा सकती है उनके लिए हम तुम कहोगे कोविड 19 दौर असं उन्होंने किमें भेजिए ऑनलाइन डाटा भी कलैक्ट किया जा सकता एफीडेविट ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता। हरदीप सिंह किंगरा पहले तुम्हें हल दे रहे हैं किंगरा साहब डाटा इकट्ठा क्यों नहीं कर पा रहे। देखो पहला तो गर्ग साहब के डॉक्टर गर्ग ने मैं कहा कि डॉक्टर गर्ग दो गल कर रहे हैं एक पैसा डॉक्टर गर्ग कहते हैं भी केस क्यों हार गई सरकार दूजे पास डॉक्टर गर्ग कह रहे हैं कि जेडे मापे फीस क्यों नहीं देंगे गए जिहड़े मापे नूं तनखाह मिलती है वह फीस जे नहीं दिंदे तां उहनां दे बच्चां दे नां कर दित्ते जाण। मैं तां आप इह शक च आ मैं तां तुहानूं आप कहना भी जिहड़ा स्कूल है वह कल्ला सिरा इस तरह नहीं चलदा गा स्कूल दे विच बहुत कुछ हुंदा जो तुसीं स्कूल नूं कह रहे हो कि टीचरां दी तनखाह दिओ तां बच्चां नूं फीस भी देनी चाहीदी है हुण किन्नी क देनी चाहीदी है दैट इज़ अ क्वेश्चन। दूजी गल स्कूल तुहाडा एजुकेशन नूं वैलीडेट करदा है तुसीं पंजवीं पास हो उहनूं वैलीडेशन जिहड़ी है स्कूल ने करनी है वैलीडेशन स्कूल तों बिना होणी नहीं करेक्ट कर दियो सर मैं तो बहुत थावां गलत हुंना किंगरा साहब स्कूल बच्चे फीस देणगे ਤਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਦੇਣਗੇ 70% ਤਾਂ ਹੀ 70% ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਕੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਣ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ स्कूल दे कोले रिजर्व हुंदा हैगा क्योंकि जिवें डॉक्टर गर्ग ने कहा कि सारे दे सारे स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट हुंदे ने या सोसाइटियां हुंदियां ने ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗਾ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 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 ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਐਟ ਵਨ ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਸੀ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਦੇ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਗਾ ਦੇਖੋ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਡ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜੇਬਲ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ
कंगाल हो गए सर बिल्कुल नहीं हुए किंगड़ा साहब गोल कर रहे ने गल नू किंगड़ा साहब सारे स्कूलों नू सारे बच्चों नू इको रस्ते बट के मेरी गल नू गलत सबूत करना चाहते हैं क्योंकि इन्हां दी सरकार दी कोई इच्छा ही नहीं है भी सच ते चले जिहड़ा मैं कह रहा भी जिहड़ी असा फीस इहदे क्राइसिस च कह की रहा कह रहा कि स्कूलों च पढ़ाई तो हो ही नहीं पर स्कूल कोई ऐसा बटन तो है नहीं बस के उत्ते बाकी खर्चे तो पैंदे ने पेट्रोल डीजल ही बचे ना बिजली लगी तो हुई है ना बिल्डिंग है तो सही ना समान पिया माड़ा मोटा घसदा ही है चाहे ना भी वरता जाए पर किंगड़ा साहब इन गोल कर रहे हैं किंगड़ा साहब सब कासे नूं रला रहे हैं मैं ये कहना जिन्हों कोविड दे लॉकडाउन करके कोई नुकसान नहीं होया आपकी सैलरी च जां पेंशन च वो फीस नहीं रख सकता वो देनी चाहिए है पर जिन्हों के सारे व्यापार उड़ गए प्लीज लेट मी कंप्लीट जिन्हों के सारे व्यापार बंद हो गए नौकरियां खत्म हो गई दुकान खत्म हो गई उन्हां तो नहीं लेनी हुण इहदा करना पूरा किवें है ये फिर गल इकट्ठी करी जांदे ने ये जिहड़ा सरप्लस फंड है वह रिजर्व नहीं है रिजर्व इज समथिंग डिफरेंट सरप्लस फंड है वह सरप्लस सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करे है पहला अलाउड नहीं सी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी ठीक है तुसीं इन्हां कमां वास्ते वरतो इन्होंने पुछे उन्होंने भी दसो भाई अपना अपना साढ़े कोल जिहड़ी इन्हां कोल रिपोर्ट पई है 4500 पेज की रिपोर्ट देख लैन जे 2017 तक उन्होंने इन्ना इन्ना फंड पिया सी हुण तो होर ज़्यादा होना ही है ना वो हरेक स्कूल का लिखे भी इन्ना पैसा इन्हों को जेड़ा वो पैसा पिया है पहले उन्होंने वरतना है ये की कर रहे हैं सारे रलगड़ करी जा रहे हैं जे रलगड़ करना फिर ठीक है फिर तो सरकार की मंशा स्पष्ट ही है डट करके स्कूलों को जो सरप्लस फंड जिंदा तुम जिक्र कर रहे हो उन्हें अध्यापकों की तनखाह कड़िया जा सकती हैं स्कूलों के खर्चे कटे जा सकते हैं जिहड़े ट्रांसपोर्टर सर वेले बैठे है जिहड़े कहिंदे साडे कोले काम नहीं हैगा स्कूलों दीआं बसां उत्थे खड़ियां है उन्हां कोले विचारियां कोले कोई काम नहीं हैगा ना उन्हां दी जेब विच पैसे जा रहे है जां उत्थे दर्जाचार कर्मचारी है ना उन्हां दी जेब विच पैसे जा रहे है जिहड़े उत्थे कोई काम कर रहा है कोई माली है जां कोई है उन्हां नूं दे रहे है जिन्ना बनदा उह कहिंदे हिस्सा असीं जिन्ना दे सकदे हां तुहानूं दे रहे हां कईआं अध्यापकां नूं तां नौकरी तों कढ़ता सर कईआं नूं इह गल च अंगूठा देता वी तुहानूं 50% ते काम करना पैणा है देखो फर्क है दोहां गल्लां च फर्क है एक प्राइवेट बिजनेस की गल करते हो तुसीं एक सरकारी स्कूली संस्था की गल करते हो स्कूलों की जिहड़ियां बिल्डिंगां बनियां ने बिल्डिंग फंड लै लै के बनियां ने वो बेसिकली उन्हां दे नाम ते ने चाहे उन्हां दा ओरिजिनल पैसा किन्ना वो जजमेंट च ही लिखिया वो जिहड़े जिहड़ी कमेटी ने फैसले करने उहदे विच भी लिखिया भी देख लो किन्ने पैसे ने सरकार जिन्ने जिन्ने पैसे उन्हां ने ओरिजिनल लाए सी उहदा बैंक का ब्याज गिन के बैंक च ही ब्याज मिलदा ना बैंक का ब्याज गिन के उन्हूं कहे भी आ तुहानूं पैसे दे दांगे असीं थोड़ा टेक ओवर कर दिया पर सरकार की इच्छा नहीं आए टीचरां नूं बसा वालों मालिया डबोटी टेक्नीशियन सारों तनखा दे के भी रिजर्व फंड बचेगा बहुते स्कूलों का जोड़ा एक अद्धे का क्राइसिस होगा वो जो सरकारी मुलाजमान का बच्चा उत्तर कोई पढ़ता उसका पैसा आ जाएगा सो मैं सारों ये भी नहीं कह रहा भी आपका फंड ही वरत दो मैं डिफरेंशिएट करके एक रैशनल तरीके जो लॉ परमिट करता है वो ये है कि अज क्राइसिस के मापे ये कहते हैं कि जी साडे पैसे बंद हो गए साडी आमदन बंद हो गई असी तां नहीं फीस दे सकते एक दूजा कहिंदा भी तुसीं सानूं पढ़ाया नहीं असीं तां नहीं दे सकते मैं दोहां दा जवाब दिंदा जिहड़ा तां हैगा वह कहिंदे असीं पढ़ाया नहीं इह कोई बस दा पास जिहने महीने दा लै लिया होवे चाहे वह दो दिन चढ़े चाहे महीना चढ़े उहनूं पास दे पैसे पूरे देने पैंदे ने पहली गल तां सो स्कूल ऐ नहीं हैगा भी तुसीं जिद्दे गए उद्दे पैसे देने ने जिद्दे नहीं गए उद्दे देने ने ऐ नहीं हुंदा स्कूल की एस्टैबलिशमेंट है वो रेगुलर चलता है वो वीर एंटीयर है वो मेनटेनेंस है वो पैसे देने होंगे ने आर्गूमेंट गलत है सर उन्होंने एक तर्क है सर डट कर दो मैं मापे का भी सर सवाल लेना बिच उन्होंने एक तर्क है कहते जी पहला पढ़ाई होंगी सी उसके मुकाबले साड़ी 2 या 3 घंटे पढ़ाई हो पा रही है इसलिए सानू कोई हाल दसो मैं यदा भी दस दिना पहली गल पहला मैं आप दूजे मसल कर दिए फिर दूजे चाहना मैं हाँ जी दूजा पक्ष यह है कि जिन्हों को पैसे है नहीं हूँ क्योंकि क्राइसिस ने पैसे खोड़े उन्होंने वो रिजर्व फंड के उन्होंने फीस जी है वो रिजर्व फंड चो ली जाए आपे फीस पूरी होगी सरकार क्यों देव हूँ एक नवी गल करी जा रही है जिड़ी सरकार करेगी मैं तुम्हें अज दस दिना इन्होंने आपकी शायद किसी तो कहाया हो जी उन्होंने बिजली के बिल माफ़ कर दो उन्होंने ट्रांसपोर्ट का खर्चा माफ़ कर दो फलाने खर्चे माफ़ कर दो सरकार दे सरकार का बजट एजुकेशन से जोड़ा बजट खर्च कर रही है सरकार 78,000 करोड़ जी इन्हों की पिछले साल टोटल आमदन होनी सी जो 31 मार्च में साल खत्म होया 78,000 तो हो ही नहीं पर जी हुई है वो 12,000 करोड़ रुपया सरकारी स्कूलों के उत्ते सरकार ने लाया है वो जो 12,000 करोड़ रुपया होर कि ला दे
बाकी किसी कोई हक नहीं है रेवन्यू सो यह मंग जी रेज करवाई जा रही है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों के खर्चे पूरा करे ये नजायज है यह गलत मंग है और मैनेजमेंट आ पेरेंट्स कई तकड़े ने सर नजायज पिछे सर पॉलिटिक्स भी दस दो ना नजायज पिछे है कि है पूरी गल तो भी नहीं दस दे प्रोटेक्ट करके जे नजायज मंग कह रहे हो तुम पॉलिटिक्स की अंदर पिछे ये पिछे पॉलिटिक्स ये है कि सरकार ये स्कूल इन्होंने आपदे ने यह कहते सरकार तो पैसे ले लो सरकार तो पैसे लैंदा भी मापिया भी कुछ ना कहो पोलीटिकली भी कही जाओ गुट गुट बन जाओ पैसे सरकार से लड़ो अपने की लेने चलो ठीक है एक छोटा जहा ब्रेक होर लाऊंगा आखिरी हिस्से में असं आवेंगे तो उस आखिरी हिस्से में कुछ होर सवाल बाकी है जेडे पूछने लाजमी है सॉरी कोई पूछ रहे हैं बड़ा सवाल ये पूछ रहे इस डिबेट में पंजाब स्कूल फीस विवाद से कौन किन्ने पानी तकरीबन तुम्हें दुध का दुध पानी का पानी हूँ तक समझ आ गया होगा किंगरा साहब पहला मैं डाटे वाला सवाल किया हूँ सवाल मैं सर ये कर रहा डाक्टर गर्ग ने एक सवाल पिछे छड़िया कि बिजली के बिल माफ़ करवा दो होर पंजाह चीज़ा जड़ियाँ वो डाक्टर गर्ग ये कह रहा है कि एक नरेटिव सैट करने की कोशिश की जा रही है जिन्हें तुसी भी गुड गुड फील करो बाकी धिरां भी गुड गुड फील कर आप गुड गुड फील विचों जिहड़े सियासतदानां दे स्कूल है वह भी गुड गुड फील कर जाण किंगरा साहब देखो केपी सरकार दे कोले खजाने दे विच कोई पैसा नहीं हैगा ते अगों हालत इस तों भी मंदी होण वाली है रेवन्यू दे सारे सोर्सेस जिहड़े ने वो ड्राई हो चुके ने रेवन्यू जिहड़ा वो 10% तक नहीं इकट्ठा हो रहा दिल्ली जिहड़ी सरप्लस चलदी सी वो भी घाटे च हो गई है सरकार पंजाब सर सिक्ख्या तों कमाई नहीं करनी सर किंगरा साहब तुसीं कहा सी पहलां ये आर्गूमेंट ना दो प्लीज़ सिक्ख्या तो कमाई नहीं करनी सर सिक्ख्या वंडनी है पर सिक्ख्या सेवा होंदी है बोलो सर मैं वही तो कहना सिक्ख्या सेवा होंदी है पर जे तुसी कहो भी उत्ते बिजली दे बिल सरकार माफ कर देगी तनखा सरकार दे देगी एहो जा फैसला सरकार किसे नु प्लीज करन वास्ते कदे नहीं लवेगी बिल्कुल नहीं लवेगी चलो एक सरकार सामने सवाल है किंगरा साहब ठीक है तुसी कह रहे हो बिल्कुल नहीं सरकार फैसला लोगी एक सरकार सामने सवाल रखिया जिन्होंने पटीशन पाई वो कहिंदे YPS तो स्कूल फीस माफ़ करने का सिलसिला शुरू करो ता जो एक सुनेहा जाए पंजाब हुण YPS पता नहीं किंदा वो क्यों सवाल पूछ रहे हैं किंगरा साहब देखो जिहड़ा YPS है बड़ा पुराना स्कूल है देखो तुसी ये नहीं कह सकते भी किसी नूं तुसी फलाने थां तों शुरू करो जां इत्थे तों शुरू करो ये तो जो भी फैसला होएगा वो सारे थां लागू होगा सर वो लोग कह रहे हैं जिहड़े सड़कां ते है जिहड़े तुहाडे तों सवाल कर रहे सर मैं तो उन्हां दा सवाल लैके आउणा मेरा आपदा कोई सवाल नहीं हैगा देखो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ YPS ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਸੰਗਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਬੀਟਨ ਵਿਦ ਦਾ ਸੇਮ ਸਟਿਕ You can't have different sticks to beat different people. चलो ठीक है किंगरा साहब तुहाडी गल मान ली हाई कोर्ट दे विच सर हाई कोर्ट दे विच विचोला की लैके जा रहा कोई ओला तो नहीं रखूगा देखो जी ओला तुसी किते कुछ नहीं रख सकते कोविड क्राइसिस दे विच झूठ बोलने वाली चाहे सरकार है चाहे इंडिविजुअल है उन्हां दा नुकसान होना है इत्थे सच बोलना पैणा फीर नूं क्योंकि दिस क्राइसिस नोबडी हैज फेस्ड इट नोबडी हैज एवर मैनेज्ड अ सिमिलर क्राइसिस चलो ठीक है ठीक है डाटा गर्ग जो सवाल आ रहा है YPS तो शुरू कर लो उतो कर लो सवाल आना नहीं चाहिए डिबेट में वो सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए चलो तुहाडी गल मान ली नहीं होना चाहिए सर सर मैं चलो ठीक है तुहाडी गल मान ली डाटा गर्ग मेरा सवाल लै लो फिर सर सर हाई कोर्ट के सरकार हुण विचोले की भूमिका में की लैके जाऊगी क्योंकि इन्होंने चार चार घंटे मीटिंगां कीतियां बहुत लंबा दौर चलिया सर सरकार भी परेशान हुई पी है AG ऑफिस है सिक्ख्या मंत्री है सब बैठे सर मीटिंगां करी जांदे मंत्र करी जांदे आ देखो मैं एक बेनती करनी चाहना ये सारे दर्शकों ही थानू भी किंगरा साहब भी असल दे विच असी साढ़े कोल जो सिर्फ पंजाब के दो स्कूल साढ़े सामने आए थे जेडे तनखाह अच्छी दे रही थी एक स्कूल तो ऐसा और दोनों पटियाले दे सी एक स्कूल तो ऐसा सी जेड़ा जो सरकार तनखाह दिंदी है उन्नी तनखाह दे रहे थे एग्जैक्टली DAV और EKYPS स्कूल से जेड़ा सब तो उच्ची तनखा उस तो घट सी जो सरकारी जिनी दे रहा है पर बहुत अच्छी तनखा दे रहा है बाकी स्कूल तो 5000 10000 देके 20000 से 15000 से साइन कराते 10000 से तो ये बैंक राही पैसे देके भी कढ़ा लेंगे चेक राही वो बीयर चेक आपके पीएम भेज के अद्धे पैसे उन्होंने फड़ा देने अद्धे आपके देने जेड़े बच्चे ने शिकायत करती उन्होंने बाहर करता उसकी बस बंद करती जेड़े मापिया ने शिकायत करती उन्हों का बच्चा बाहर करता जेड़े टीचर ने माड़ा मोटा बढ़िया उन्होंने बाहर करता समराले दे भवानीगढ़ दे मानसा दे सनाम दे किहड़े किहड़े समाने दे
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਉਸਨੇ ਹਾਇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਈ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਂਟ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਸੈਂਡ ਯੂਅਰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਪੇਸ਼ ਪੁੱਟ ਹਿਜ਼ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ, ਬਾਤ ਖਤਮ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਨੀਟ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਗੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ 33 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, 9000 ਸਕੂਲ ਹੈ, 2.25 ਲੱਖ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 33 ਲੱਖ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਰਦੀਪ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਡੀਕਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਧਰਮੋ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਂਭਾ ਰਹੂਗਾ ਸਰ। ਹਰਦੀਪ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦੋ, ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੀਸ ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਓ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਚੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਕਰਸ ਔਨ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਹੈ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੀਓ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ। ਸਰ ਪਲਾਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਪਲਾਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਸਰ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਵਾਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰਾਇਟਸ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਡੀਮੈਰਿਟ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਪਲੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ, ਸਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਜਾਂ ਰੋਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਰੀਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਨ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਤਾਬ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਟੀਚਰ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੀ 0.2% ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਢੰਗ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, 33 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, 33 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ
ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮਾਪੇ ਜੋ 33 ਲੱਖ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਦੀਪ ਕਿੰਗਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਨਿਚੋੜੇ ਆ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਭੜਕਾ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਲੜਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਤੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ